देखो दोनों बात करने वाले एजीआर वर्सेस एसीसी के बीच में होने वाले आज के पहले केसीए टी20 मैच के बारे में एक एक प्लेयर का पूरा पूरा एनालिसिस, कौन किस नंबर पे बल्लेबाजी के लिए आएगा, कौन किधर और बॉलिंग करके देने वाला है इस मैच का, आपके लिए पिच रिपोर्ट क्या होगा, प्लेइंग इलेवन क्या होगा, प्लेयर्स बदल क्या होगा, दो से तीन रिस्की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस मैच में जीएल में पैसे कमाने में मदद करके दे पाएंगे, स्मॉल लीग में आप कैसे परफेक्ट टीम बना सकते हो, कौन सी टीम में जीत सकती है, सभी चीजों के ऊपर वन बाय वन बात करेंगे। बस आपको एक ही चीज का ध्यान देना है, ये जो मैं आपको वीडियो में एक टीम बना के दूंगा ये एक हमारे एनालिसिस बेस के 11 प्लेयर्स की टीम होगी। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का तो मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी आसान भी एकदम फ्री भी रहने लगा है। आगे आने वाले मैचेस जैसे आईपीएल मैच हो गया या फिर 10 ओवर वाले लेवल के मैचेस होगा, जो भी मैच मैं कवर कर रहा हूँ उसकी फाइनल टीम आपको यहीं पर भेज दूंगा। मान लो कि किसी मैच की मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं भी बना पाऊंगा, उस मैच में भी अगर मैं अपने पैसे लगा रहा तो उसकी भी फाइनल टीम आपको यहीं पे भेज दूंगा, जहां पर ज्वाइन होने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है, आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी वीडियो के टाइटल का आप क्लिक करोगे या फिर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाओगे, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ना मिले तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाना, सबसे पहला जो कमेंट पिन किया हुआ देखने को मिलेगा उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के ऊपर टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले मैं आपको कहूंगा ये जो मैच है मुझे लगता है कि एजीआर की टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा है, एजीआर की टीम ने आखिरी की जो अपने 5 मैचेस के लिए 5 के 5ों मैच अपने जीत करके आ रही है, एक भी मैच अपना नहीं हारी है, एसीसी भी काफी अच्छी टीम है, आखिरी के 5 में से 4 मैच अपना जीत करके आ रही है, एक मैच अपना हार करके आ रही है। मैं आपको एक चीज कहूंगा, अगर कहीं आपको नजर आ जाए कि टॉस जीत करके या फिर टॉस हार करके एजीआर की टीम पहले बॉलिंग कर रही है ना, एजीआर की टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो एक काम करना कि एजीआर के बॉलर्स को पूरी तरीके से भर लेना और एसीसी के किसी भी बॉलर को ज्यादा लेकर के मत चलना, क्योंकि एजीआर की टीम अगर पहले बॉलिंग कर रही होगी और अगर जीत गई ना तो इनकी टीम के कोई ज्यादा विकेट नहीं गिरने वाले, क्योंकि इनकी टीम के पास एक नहीं 3-4 काफी बड़े लेवल के प्लेयर है, जिनमें पहला नाम आपको एस बेबी का देखने को मिलेगा जो कि काफी बड़े लेवल का प्लेयर है, भले ही सीजन में इसने 2 मैचेस खेले, दोनों मैचेस में बॉलिंग से 1 ओवर भी नहीं किया लेकिन बल्लेबाजी में दोनों मैचेस में 3रे पाया और दोनों ही मैचेस में काफी अच्छा खेल करके दिया हुआ है। मुझे लगता है कि अगर इसको जितना मौका मिलेगा ना ये आपको 100 रन भी बना करके दे सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकता, तो प्लेयर ऐसा है जो कि बिना कुछ भी सोचे आप ऐसा केवीसी लेकर के चल सकते हो, लेकिन जब इस सीजन में इसको बॉलिंग करने का मौका मिले, क्योंकि बॉलिंग इसको मिल ही नहीं रहा है और मेनली जो है मतलब ऐसा और उधर ही खेलता है, बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज करने वाला प्लेयर है, लेकिन इस समय बॉलिंग मिल नहीं रहा है तो बल्लेबाजों के हिसाब से आप ऐसा वीसी इसके ऊपर रिस्क ले सकते हो। उसके अलावा अखिल एमएस जो कि एक स्पिनर बॉलर है जो कि आपको 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी पूरा करेगा, बल्लेबाजी में भी 7 ओवर पे आकर के जब भी इसको मौका मिलेगा ये आपको रन बना करके जरूर देगा। जैरिन जोश की बात करूं जो कि आपको ACC की टीम से कप्तानी कर रहा है, बल्लेबाजी में आपको 7 ओवर पे आ रहा है, मेनली बॉलर है लेकिन आपको 3 ओवर से 4 ओवर पूरा बॉलिंग कर रहा है, एक और स्पिनर बॉलर आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा। उसके अलावा के आदित्य मेनली जो है बॉलर है, एसीसी का बॉलर है, अब सोचना और देखना यह कि एसीसी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है या फिर नहीं कर रही है, पहले अगर बॉलिंग कर रही है तो इनके 1 या फिर 2 जो मेन बॉलर्स होंगे ना उनको लेकर के चल लेंगे, क्योंकि जो मेन बॉलर्स होंगे वो पहले बॉलिंग होगा तो एक अच्छी बॉलिंग करके सामने वाली टीम चाहे कैसी भी स्ट्रांग क्यों ना हो पहले बल्लेबाजी करते हुए विकेट जरूर गिराती है, तो वहां पे के आदित्य जैसे अच्छे बॉलर्स आपको अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं। बाकी बल्लेबाजी ऑप्शन है वी अजीत, एक और प्लेयर है, नाम भले इसका बल्लेबाजों में है लेकिन काम आपको बॉलर्स वाला करके देने वाला है, बल्लेबाजी में काफी नीचे आएगा, मेनली बॉलिंग से ही आपको परफॉर्मेंस करके दे रहा है, आखिरी मैच में भी इसको 1 विकेट मिला हुआ है, उससे पहले वाले में 2 मिला हुआ है, उससे पहले में भी इसको 1 मिला हुआ है, यानी कि ज्यादातर मैचेस में इसको 1 विकेट मिल जा रहे हैं, 3 से 4 ओवर बॉलिंग कर रहा है, ज्यादातर मैचेस में 2 या फिर 3 ओवर ही बॉलिंग कर रहा है। एम सानू की बात करूं अगर ये बल्लेबाजी में ऊपर आ गया ना तो रन अच्छे बना के देगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार प्लेयर है लेकिन कई बार इसका बल्लेबाजी क्रम 6 नंबर पे या फिर 8वें नंबर पे ऐसे भी काफी ज्यादा नीचे भी कर दिया जाता है, लेकिन आखिरी के दोनों मैचेस में इसका बल्लेबाजी क्रम 4 नंबर पे आया और दोनों मैचेस में इसने बल्लेबाजी में रन बना करके दिया हुआ है, तो सानू को लेकर के चलने वाला। आर बसीर एक ऐसा प्लेयर है जो कि हर मैच में एसीसी की टीम ओर से आपको बल्लेबाजी में रन बना करके दे रहा है, शुरू के दोनों मैचेस में काफी अच्छा खेला लेकिन उसके बाद बचे हुए 3 मैचेस में थोड़ा सा एवरेज रहा है,
लेकिन प्लेयर अच्छा है तो मैं लेकर के चलने जरूर वाला हूँ। बाकी यहाँ से कोई भी इतना अच्छा प्लेयर नहीं है, किसी के भी ऊपर मैं रिस्क लेकर के नहीं चलूंगा। यहाँ से दो अच्छे प्लेयर है, पहला नाम है पी राहुल जो कि हमेशा ही अच्छा खेलता है, एस सचिन जो कि बल्लेबाजी में ऐसा ओपनर आएगा। पी राहुल कई बार बल्लेबाजी में फोर पे आएगा, कई बार पांचवे पे आएगा, कई बार सेवन नंबर पे भी आएगा। इसका बल्लेबाजी क्रम आज तक कोई भी नहीं बोल पाया कि कहां पर आएगा, हमेशा इसका ऊपर नीचे लगा रहता है। लेकिन देख सकते हो क्या प्लेयर है, काफी बार बल्लेबाजी से भी काफी सारे रन बना करके दिया हुआ, ऐसा नहीं कि बल्लेबाजी नहीं कर पाता है। और ऐसा विकेट कीपर, इसको कैचेस भी कई बार काफी सारे मिले हुए हैं, तो कैचेस भी है काफी अच्छे आपको पकड़ के दे सकता है। तो मैं भी राहुल के ऊपर ही रिस्क लूंगा, बाकी मैं किसी को नहीं लूंगा। सचिन अच्छा प्लेयर है, जीतने वाली टीम का भी प्लेयर है, लेकिन इस सीजन में एक भी ऐसा मैच नहीं गया जहां इसने थोड़ा भी अच्छा खेला हो, तो अभी मैं इसके ऊपर रिस्क नहीं लूंगा। बाकी ऐसे सारे ही सही प्लेयर, पी श्रीधर भी कई बार आपको बल्लेबाजी में रन बना करके दे सकते हैं। पहले मैच आपने देखा काफी तेजी से रन बनाया और एस डब्ल्यू सी के खिलाफ, लेकिन आखिरी दोनों मैचेस में फ्लॉप हुआ। मैं इसको इसलिए भी लेकर के नहीं चलूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि एसीसी की टीम मैच हारने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं अपने बॉलिंग ऑप्शन, देखो एस वी सैमसन, पहले क्या था ना कि इसको बॉलिंग नहीं मिल रहा था, यहाँ पर भी इसने ज्यादा बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी इसने ज्यादा बॉलिंग नहीं किया, यहाँ पर भी नहीं किया हुआ। आप सोच रहे हो 58 पॉइंट्स लाए, लेकिन देखोगे तीन ओवर बॉलिंग किया जहाँ इसको दो विकेट मिला हुआ है, उससे पहले वाले मैच में देखोगे इसने तीन ओवर बॉलिंग किया जहाँ इसको एक विकेट मिला हुआ है, इस वाले मैच में देखोगे कि इसने सिर्फ एक ही ओवर बॉलिंग किया, यानी कि कई बार इसके ओवर कम कर लिए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी इसने सिर्फ दो ही ओवर बॉलिंग किया हुआ है, यानी कि कई बार इसके ओवर कम कर लिए जाते हैं, लेकिन आखिरी के दोनों मैचेस में इसने काफ़ी शानदार बॉलिंग करके दिया हुआ है। आखिरी मैच है पी ए यू के खिलाफ, इसने चार ओवर पूरा बॉलिंग किया, भले ही फ्लॉप गया, लेकिन मैं एक बार फिर से इसको लेकर के जरूर चलूंगा। मेनली जो है ना, ऐसा नहीं है कि बॉलर ही है, बल्लेबाजी में भी आपको सेवन ओवर पे आकर के कभी 10 रन, कभी 30 रन, कभी 40 रन भी बना करके दे सकते हैं। यहाँ पर भी इसने बल्लेबाजी में रन बनाया, यहाँ पर भी रन बनाया हुआ है, यहाँ पर भी रन बनाया हुआ है, मौका मिलेगा तो रन भी बना करके देगा। लेकिन आखिर के दोनों मैचेस में टीम को जरूरत ही नहीं पड़ी, शुरू के चार प्लेयर्स ही मैच खत्म करके ले जा रहे हैं, तो अगर सैमसन को मौका मिलेगा ये आपको वहां पे रन भी बना करके देने वाला। के आर श्रीजीत जो कि आपको एजीआर की टीम का सबसे मेन बॉलर है, अब मुझे लगता है कि चार ओवर बॉलिंग पूरा करेगा, आखिरी ओवर्स में बॉलिंग करेगा, आपके लिए काफी जरूरी बॉलर रहने वाला है, लेकर के जरूर चलूंगा। अब इसके अलावा मानू कृष्णन जिसने इसने भी काफी अच्छी बॉलिंग करके दिया हुआ, कल के मैच में काफी अच्छा अर्रा मेगा क्लीनशिप कराया हुआ था जहां पर किसी ने भी नहीं लिया था, देख सकते हो एमटीसी टीम के खिलाफ जहाँ पे 163 पॉइंट्स ला करके आ रहा है, एक बार फिर से मैं इसको लेकर के चलूंगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक है कि एक टीम के हमारे 8 प्लेयर्स हो चुके हैं, तो वहाँ पे आपको किसी एक प्लेयर को निकाल करके चलना होगा। मैं अभी तो इसके लिए मैं एक काम करके चल सकता हूँ कि मान लो कि अगर एजीआर की टीम यानी कि सामने वाली टीम के भी मुझे किसी एक बॉलर को लेना हो ना, तो पहले मैं उस बारे में ए ऋषभ हो गया, के आदित्य कृष्णन हो गया और यहाँ से के आदित्य हो गया, ये तीनों प्लेयर्स है जिनको आप लेकर के चल सकते हो ए डबल सी की टीम की ओर से। एसीसी आदित्य के ने काफी अच्छी बॉलिंग किया दोनों मैचेस में, लेकिन के आदित्य कृष्णन जो कि इनकी टीम का सबसे मेन बॉलर है, ए ऋषभ जब भी बॉलिंग करेगा तो काफी अच्छी ही करेगा, नहीं तो बुरी तरीके से आपको फ्लॉप होते हुए नजर आ सकता है। इस सीजन में एक भी ऐसा मैच नहीं गया जहां पर ऋषभ फ्लॉप हुआ है, तो ऋषभ आपके लिए काफी जरूरी प्लेयर रह सकता है। तो ये दोनों प्लेयर्स को आपको लेकर के चलना जरूर है। अगर मान लो कि एसीसी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है, अगर एसीसी की टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो ये दोनों प्लेयर भी आपके लिए काफी अच्छे रहेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ से ए ऋषभ को लेकर के चलने का सोच रहा हूँ। बाकी अगर मैं किसी एक प्लेयर को निकालूंगा तो पी राहुल को निकाल करके यहाँ से पी श्रीधर या फिर ए के अर्जुन में से किसी एक प्लेयर को लेकर के चलने का रिस्क लूंगा। अभी मैं सोच ही रहा हूँ कि पी श्रीधर के ऊपर रिस्क लेकर के चला जाए, क्योंकि जो पी राहुल है ज्यादातर मैचेस में ये फ्लॉपी हो रहा है, तो अगर आप चाहो तो इसको ना लेकर के, मतलब पी राहुल का जो है ना बल्लेबाजी क्रम काफी नीचे है, या फिर आप यहाँ से पी राहुल को लेकर के एम सानू को ना लेकर के रोजित के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो। इस तरीके की 7 और 4 का कॉम्बिनेशन आप बना करके चल सकते हो। मान लो कि अगर आप D11 ऐप को या फिर 11 चैलेंजर्स के फ्लैक्सी मोड के ऊपर खेल रहे हो, वहां पे काम करके चलना कि वहां पे आर बसीर को भी ना लेना, के रोजित को भी लेकर के मत चलना, और वहां पे आप यहाँ से के आदित्य को ले लेना, और उसके बाद यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन है कि आदित्य कृष्णन को लेकर के चल सकते हो। एक और चेंज करके आप चल सकते हो कि आप यहाँ पे किसी एक बॉलर को ना लेकर के एनपी बासिल के ऊपर रिस्क लेकर के चल सकते हो, जो आपके लिए काफी अच्छी बॉलिंग करके दे सकते हैं। ये हमारे लिए हो गई D11 और 11 चैलेंजर्स के फ्लैक्सी मोड के लिए, और सारे दूसरे ऐप के लिए हमारे लिए
वहां पे मैं यहाँ से किया आदित्य कृष्णन और यहाँ से किया आदित्य को निकाल करके यार बसीर के रोशित को लेकर के चलने वाला हूँ। कैप में लेकर के चलूंगा जेरिन जोसेफ जोस को, अभी यहाँ से अखिल एमएस को लेकर के चलने वाला हूँ, क्योंकि ये दोनों ऐसे प्लेयर है जो कि आपको बल्लेबाजी और बॉलिंग दोनों चीज करके दे सकते हैं। ये एक हमारे एनालिसिस बेस की टीम है। मान लो कि हमारे वीडियो की टीम में कोई प्लेयर ना खेल रहा हो या फिर लाइनअप आने का मुझे कोई भी चेंज करना होगा, तो जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो मैं इसी तरीके से स्क्रीनशॉट के जरिए अपने टेलीग्राम चैनल को आपको फ्री में अपनी फाइनल टीम भेज दूंगा, जहां पर 70,000 करीब सब्सक्राइबर यानी कि लोग पहले से फ्री में ज्वाइन है, जिसका लिंक आप हमारी जिस भी वीडियो को देख रहे हो उसी के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स में सबसे वो पिन किया हुआ लिंक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस ब्लू लिंक के बाद टच करोगे आप सीधे सीधे हमारे चैनल को पहुंच जाओगे, नीचे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्री में ज्वाइन कर लेना। उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा यूजफुल लगा बस एक काम करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ्री का लाल बटन है, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं।